प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व श्रमिक सुधार के क्षेत्र में श्रमिकों के बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला लिया है। यह विद्यालय नवोदय की तर्ज पर रहेगा। 1250 करोड़ की लागत से हर मंजिल में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। इसको नवोदय की तर्ज पर चलाने का फैसला सरकार ने लिया है। विद्यालय में श्रमिक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। 1000 बच्चों को वहां पर रखने की सरकार व्यवस्था कर रही है। वह बच्चे वहीं पर रहकर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुविधा उन श्रमिकों के लिए है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कमाने का कार्य करते हैं। यह योजना उनके बच्चों में परिवर्तन लाने वाली योजना है, जिससे श्रमिक कहीं पर भी जाकर काम कर सकता है। उसको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके बच्चों की चिंता कर रही है। आने वाले दिनों में हर जिले में अटल आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 100 दिन के अंदर प्राइवेट कंपनी में 25,000 श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया है। 50,000 नौजवानों के करियर काउंसलिंग के माध्यम से मार्गदर्शन किया गया है। जो वादा नौजवानों से प्रदेश सरकार ने किया था, उस पर कार्य किया जा रहा है। संकल्प पत्र में सरकार ने कहा कि 5 साल के अंदर बाल श्रम खत्म कर देंगे। उस दिशा में भी 100 दिन के अंदर विभाग ने 200 स्थानों पर से बाल श्रम मुक्त किया है। आने वाले दिनों में 5 सालों के अंदर पूरे प्रदेश से बाल श्रम मुक्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में और श्रमिक सुधार के क्षेत्र में और विशेष तौर पर जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनके जीवन के सुधार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला किया। पूरे प्रदेश में तकरीबन 1250 करोड़ की लागत से हर मंडल पर एक अटल आवासीय विद्यालय हम बना रहे हैं। अगला सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इस विद्यालय को नवोदय की तर्ज पर चलाने का फैसला उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने लिया है, बल्कि नवोदय से भी बेहतर तरीके से संचालित करने का हम लोगों का संकल्प है। उसमें श्रमिक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। अभी 1000 बच्चों को वहां रखने की व्यवस्था सरकार कर रही है, आवासीय सुविधा खास तौर पर ये उन श्रमिकों के लिए, उनके परिवार के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी रोजी को कमाने का काम करते हैं, ये उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली ये योजना है। उनके बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना है। वो कहीं भी जाएं, अपना काम करें, बच्चों को लेकर उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रमिकों के बच्चों की चिंता उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किया है और अटल आवासीय विद्यालय हम लेके आए हैं। अभी तो हर मंडल पर एक बना रहे हैं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम हर जिले में एक आने वाले दिनों में अटल आवासीय विद्यालय बनाएंगे। साथ ही अभी 100 दिन का जो लक्ष्य निर्धारित कर विभाग ने काम किया है, उसमें हमारे सेवा योजन विभाग ने 25,000 बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नियोजित करने का काम किया। 18,000 का हमारा लक्ष्य था, लेकिन 100 दिन के अंदर हमारे अधिकारियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया तो 25,000 निजी क्षेत्र में 25,000 लोगों को रोजगार देने का काम हम लोगों ने किया।
मैं इस मौके पर जरूर मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं कि इसी 100 दिन के अंदर 10,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी से भी जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। 50,000 बेरोजगार नौजवानों को हम कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से हमने उनका मार्गदर्शन भी किया है। ये पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने अपना उदाहरण एक प्रस्तुत किया है कि हम कैरियर काउंसलिंग की भी बात कर रहे हैं। तो जो वादा नौजवानों से पार्टी ने किया था हम उस पर काम कर रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और अपने लक्ष्य से भी ज़्यादा काम 100 दिन के अंदर हम लोगों ने किया है। लोक संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा था कि आने वाले 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को हम बाल श्रम मुक्त कर देंगे। उस दिशा में भी 100 दिन के अंदर हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया और उसी के क्रम में विभाग ने सामूहिक प्रयास किया। तकरीबन 200 स्थान जो पहले से चिन्हित थे कि यहाँ बाल श्रम होता है, उन 200 स्थानों को बाल श्रम मुक्त करने का भी काम विभाग ने किया है। आने वाले 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करने का हम लोगों ने फैसला किया है। प्रतिष्ठान हम लोगों को देखने को मिलते थे, कोई भी आदमी है समाज में अपने मकान में अपना रहने का भी काम करता है और छोटी मोटी दुकान खोलकर अपने रोजगार का भी रास्ता वो खोजता है। ऐसे प्रतिष्ठानों को हमने पंजीयन से मुक्त कर दिया है, ना ही उनके रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता अब है और ना ही उसके नवीनीकरण जैसा कोई प्राविधान है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल में हम एक तरफ बड़े उद्योगपतियों का भी ख्याल रख रहे हैं, एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनकी भी समस्याओं को सरकार ने समझने का काम किया है। एक अच्छा वातावरण का हम निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों की प्राथमिकता है कि श्रमिक का हित कहीं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है। आज इन्हीं तमाम बातों को लेकर विभागीय समीक्षा मंडल की समीक्षा यहाँ है, विद्यालय के निरीक्षण का भी काम अभी 2 बजे के बाद हम लोग जाने वाले हैं। काफ़ी संतोषजनक प्रगति है। दिसंबर में अटल आवासीय विद्यालय सरकार को हैंडओवर होने वाले हैं और अगला सेशन हम चालू करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। सफलता निश्चित तौर पर मिलने वाली है। तो ये कुछ बातों को लेकर आज गोरखपुर की सम्मानित प्रेस के साथ हम बैठे हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है।